हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज हम देखेंगे नेटडोट में वाइट की सिक्स्थ मूव कुछ चेंजिंग, मतलब जो आउट ऑफ वे है। मेन लाइंस हमने देखी है, बिशप g5, बिशप e3, बिशप c4, बिशप e2, बहुत सारे मूव्स हमने वाइट के सिक्स्थ मूव में देख लिए हैं। अब वाइट कुछ अलग करना चाहता है। बहुत सारे गेम्स मैंने देखी है जिसमें वाइट ने सिक्स्थ मूव में गेम को चेंज किया है, तो यहाँ क्या चेंजिंग्स हो सकते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे e4, c5, नाइट f3, d6, d4, cd4, नाइट d4, नाइट f6, नाइट c3, देन a6। यहाँ दोनों के 5 मूव होने के बाद हमने 6 मूव में अलग अलग चेंजिंग देखे हैं। अब आप सोचोगे कि a4 ये मूव कैसा है। a4 तो कोई खेलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने खेलते हुए दिखा है, इसीलिए मैं आपके सामने a4 का रिप्लाई पेश करना चाहूंगा। क्योंकि कई जब आप नेस्डोट खेलते हो, कोई भी ओपनिंग खेलते हो, तो उसके अगेंस्ट सामने वाले के नेक्स्ट जो रिप्लाई है, पूरे वेरिएशन, पूरे मूव आपको नहीं पता होंगे, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो यहाँ पे a4 के रिप्लाई में, a4 सबसे पहले क्यों होता है सिक्स्थ मूव में, तो a4 करने के दो रीजन है। एक तो ब्लैक को b5 पुश करने से वाइट स्टॉप कर रहा है, और दूसरी बात कि वाइट कभी कभी वेटिंग करता है कि ब्लैक कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, उस हिसाब से मैं अपनी गेम ओपन करूंगा। तो यहाँ पे a4 के सामने आपको खेलना है g6। अब वाइट ने आपको सामने से अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप ड्रैगन खेल सकते हो। यहाँ पे आपको सिसिलियन ड्रैगन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो a4 एक वेटिंग मूव जो आपको ड्रैगन खिला सकता है। तो g6 खेलने के बाद यहाँ पे होगा g3, बिशप g7, बिशप g2, दोनों साइड से कैसलिंग। अब ये स्ट्रक्चर में व्हाइट और ब्लैक दोनों को खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल दोनों का जो पियान चट्टो बिशप है और उसी साइड कैसलिंग किया हुए दोनों ने, तो कैसलिंग के बाद नाइट c6 और नाइट d e2। यहां पे व्हाइट खेलेगा नाइट d e2, और हो सकता है नाइट का आइडिया है नाइट d5 करने का, और हमें यहाँ रिप्लाई देना है बी रुक b8। अब आइडिया बिहाइंड दिस रुक, दोस्तों ये मूव नंबर हो गई आपकी 10th, तो 10th मूव में रुक b8 ध्यान रखना है। ड्रैगन स्ट्रक्चर के बाद रुक b8 का जो हमें ओपनिंग सीखते हैं, उसका प्लानिंग हमें पता नहीं है, तो आगे हम गेम कैसे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खास आपको रुक b8 का प्लानिंग बताता हूँ। रुक b8 करने का रीजन है, एक तो b5 जहाँ से हम ओपन करेंगे, बी फाइल और सी फाइल दोनों आपके लिए ओपन हो जाएगी, और दूसरा कि जब भी हम नाइट d7 करके बिशप का रास्ता ओपन करेंगे और वाइट के ऊपर दोनों साइड प्रेशर बनता रहेगा। तो ये रुक b8 का मेन आइडिया है। 10 मूव हो चुकी है दोस्तों, और यहाँ अगर वाइट नाइट d5 रिप्लाई देता है, तो नाइट d5 के बाद आपका बेस्ट ऑप्शन होगा b5, जो हमारे एज यूजल प्लानिंग कंटिन्यू रहेगा आफ्टर a takes b5, और यहाँ पे बिशप g5, ये ब्लैक के बेस्ट ऑप्शन है bg5, एक्सक्लामेशन मार्क भी दिया है इस मूव में। तो bg5 के सामने नाइट d7, यहाँ पे bg5 वाइट ट्राई क्या करना चाहता है, ये आप वीडियो पुश करके थोड़ा सोच के मुझे बताइए कि व्हाइट bg5 क्या कर। यहाँ पे व्हाइट ट्राई कर रहा है कि नाइट इंटू f6 करने के बाद आपका यहाँ पे पॉन डबल हो जाएगा, पॉन डबलिंग, और d6 पॉन को आइसोलेटेड करने का एक आइडिया है, इसीलिए इसके सामने आपका बेस्ट रिप्लाई होगा नाइट d7। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि c6 वाला जो नाइट है वो हमारे e7 पॉन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए डबल अटैक का कोई चांस नहीं है। इसके बाद का जो मूव है क्वीन c1 वाइट कर सकता है, यहाँ पे बिशप एक्सचेंज करने का ट्राई करेगा, लेकिन यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा रुक e8, और हम अपने फियान चट्टो स्ट्रॉन्ग बिशप नहीं देंगे। अगर बिशप h3 आता है तो यहाँ सिंपल आप बिशप h8 कर सकते हैं। तो ये गेम है, ये लाइन है नेटडोट में ए फोर के बाद क्या खेलना है,
और आपको एक ड्रैगन खेलने का चांस भी मिल जाएगा, उसका मौका मिलेगा ड्रैगन का, और एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो। और बहुत सारे गेम्स खेल के आपको ओपनिंग ट्राई कर देनी है और फिर आप टूर्नामेंट में ये लाइन खेल के, स्ट्रांगली खेल के अपोनेंट को अच्छे से जवाब दे सकते हो। दोस्तों एक और हम साइड लाइन देखेंगे वाइट की सिक्स्थ मूव में, देखते हैं कौन सी है। e4, c5, nf3, d6, d4, c takes d4, knight takes d4, nf6, nc3, a6। अब यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं कि चलो इतने मूव हो गए, बोर्ड के ऊपर सेटअप कर दो और उसके बाद अलग अलग वेरिएशन वीडियो देख देख के तैयार करो। यहाँ पे वाइट खेल सकता है f4 अर्ली अटैक के लिए। f4 के बाद यहां रिप्लाई देना है e5। अब ज्यादातर प्लेयर एक्सचेंज नहीं करते क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो पॉन है हमारा सेंटर में रहेगा, तो नाइट f3 इसका बेस्ट रिप्लाई है व्हाइट की ओर से। और यहां आपका रिप्लाई होगा Nbd7 और इसे एक सपोर्ट बढ़ाना है। काउंटर अटैक किया है व्हाइट ने पॉन और नाइट से और हमारा एक ही सपोर्ट है, तो Nd7 से आपको सपोर्ट कर देना है सिंपल। व्हाइट खेलेगा Bd3, डेवलप और कैसलिंग की तैयारी है। तो यह सिंपल Be7 हम भी कैसलिंग के लिए रेडी है, दोनों साइड से कैसलिंग होगा और ये थोड़ा सा व्हाइट के फेवर में रहता है जो f5 अगर खुलती है तो। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक वेटिंग मूव आता है व्हाइट की ओर से King h1, ताकि कभी भी चेक की थ्रेट में डबल अटैक से व्हाइट कुछ लॉस ना हो जाए, क्योंकि f4 कर दिया है तो King h1 जरूरी है। Bishop e3 ये इतना अच्छा मूव नहीं है क्योंकि तुरंत ही Knight g4 करके बिशप को रिटर्न कर देंगे। King h1 के बाद b5, अब यहाँ b5 क्यों, अब आप देख सकते हो कि f4 हो चुका है तो g2 पॉन वीकनेस है और कभी भी बिशप b7 बहुत ही स्ट्रांगली इसमें एक्टिव होगा। तो b5 के बाद व्हाइट ब्रेक करना चाहेगा अगर a4, तो यहां सिंपल आपको b4 कर देना, कैप्चर नहीं करना है वरना व्हाइट को ज्यादा फायदा रहेगा। Knight e2 रिटर्न जाएगा और उसके बाद आपको Bishop b7 डेवलप करके खेलना है। तो ये पोजीशन भी ब्लैक के फेवर में है, आप यहां से अच्छे से नेटवर्क खेल सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की दोनों लाइनें। अब बहुत सारे लाइंस हो चुकी है आपके पास नेटवर्क वेरिएशन की, तो वीडियो सारे वीडियोस आप देख लीजिए वन बाय वन। फर्स्ट Bishop g3, Bishop g5, सॉरी Bishop e3, Bishop g5, Bishop c4, Bishop e2 जो क्लासिकल है, उसके बाद व्हाइट की सिक्स्थ मूव a4, उसके बाद हमने देखा f4 डायरेक्टली अटैक। तो ये सारे वीडियो वन बाय वन तैयार कर लीजिए, आपका नेटवर्क काफी हद से तैयार हो जाएगा दोस्तों, और खेलने में बहुत मजा आएगा। जब आप सिसिलियन रेडी कर दोगे नेटवर्क वेरिएशन में, तो व्हाइट के सामने e4 अगेंस्ट आप काफी स्ट्रांगली गेम खेलोगे। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कुछ और वेरिएशन लेके मैं आता हूँ नेटवर्क का। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, चैनल से जुड़े रहिए ताकि हर एक वेरिएशन आपको वन बाय वन सीखने को मिलेंगे। और सिसिलियन के बाद कोई और ओपनिंग, मतलब वन बाय वन सारी ओपनिंग्स आपको, उसमें बहुत सारी ओपनिंग्स आपको मिलेगी।